नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बमीठा में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत किया गया कार्यक्रम। गर्मी के बढ़ते लोगों की प्यास बुझाने और बच्चियों की प्यास बुझाने के लिए पेड़ों की डालों पर सकोरे भी बांधे गए। आज बमीठा में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नदीम सिद्दीकी सभी साथियों ने दोबारा निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर नदीम सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा है तो भरोसा है, इस प्याऊ से राहगीरों को दिन भर निःशुल्क शीतल जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान लोगों ने पानी के महत्व पर प्रकाश डाला। बताया गया है कि जल सेवा ही गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी सेवा है। भाजपा जिला अध्यक्ष मलखान सिंह, जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष रफीक शाह ने निर्देशन में कार्यक्रम किया गया है। इस मौके पर मंडल भाजपा अध्यक्ष पुष्पेंद्र अवस्थी, मनोज शर्मा, जीतू सेन, नहीम खान, ब्रजेंद्र मिश्रा, मुबारक निशार खान, रफीक खान, हामिद अली मौजूद रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए राजेश की रिपोर्ट। भाई साहब ने अभी जो भी बातचीत हुई है, जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत आई तो निश्चित रूप से वहाँ टैंकर की व्यवस्था के माध्यम से गाँव में पानी पहुँचाया जाएगा और हमारी पार्टी के द्वारा जहाँ जहाँ भी जो भी समस्या लोगों की होती है, निश्चित रूप से हमारे बहुत ही गंभीर मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा जहाँ जहाँ भी कोई भी समस्या आती है तुरंत उसका हल करने की हमारी पार्टी के द्वारा होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।